इतनी ही उसको दिक्कत थी मेरे से, तो मेरी बर्थडे पार्टी में फ्लोर पे लोट लोट के क्यों नाचता था वो। Karan mocked me on IFA stage and called me, you know, sort of on nepotism. And as he said, I'm jobless and I'm looking for a job from him or something like that. I mean, look at my talent and look at your movies. I mean, really? सुनिए, there are two ways of doing this. एक तो हम बहुत ही ज्यादा एक जिसे कहते हैं संस्कारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिसमें मैं सूती साड़ी पहन के आऊं और आपको महोदय और भाई कह के एड्रेस करूं, ठीक है? या तो ठीक है, कंगना जी आपके ठीक सामने कुछ संस्कारी बातें कर लेते हैं। संस्कारी इस कॉस्ट्यूम में संस्कारी बातें नहीं हो सकती भाई। And like I said, I'm born with a lot of fire in my belly and I don't want to pretend that I don't want the world. I am this sacrificing woman. I just want love. No, I want everything. And I want to do better than my lover. I want to outdo my father. I want to make more money than my husband. And if that scares you and make you run away, then f*** you. गंदी बातें लिख के प्रोफेशनल ट्रोल्स जो है खुद को मुफ्त का खाना खाने पहुंच जाते हैं ये, तो उस गिल्ट के चलते उन लोगों ने मुझे धमकी देना शुरू किया है कि मुझे बैन कर देंगे या मेरी कोई चीज़ का मुझे कवर नहीं करेंगे या मेरा करियर बर्बाद कर देंगे। अरे नालायकों, देशद्रोहियों, बिकाऊ लोगों, तुम लोगों को खरीदने के लिए लाखों भी नहीं चाहिए। तुम लोग तो इतने सस्ते हो, 50-60 रुपये में बिछ जाते हो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ और कह रही हूँ कि प्लीज़ मुझे बैन करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों के घर में चूल्हा जले। तुम जैसे नालायक मुझको बर्बाद करोगे, तुम लोगों के बाप दादाओं को भी मैंने लोहे के चने चबाए हैं। आज मैं अगर तुम लोगों जैसे लोगों की चलती ना मूवी माफिया और तुम जैसे सड़े हुए सूडो जर्नलिस्ट की चलती, तो आज मैं इंडिया की टॉप एक्ट्रेस और हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस नहीं होती। यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। चल रहा है, हम देखते हैं कि काफी जो सेलेब्स है वो एक दूसरे के मूवीज के पोस्ट शेयर कर रहे हैं, अक्षय प्रमोटेड लुका छुपी, एंड वी हैव सीन दिस ट्रेंड ग्रोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। डू यू थिंक परहैप्स यू नो समवन हैड प्रमोटेड मणिकर्णिका का द वे दे हैव अदर फिल्म्स फॉर यू आल्सो, इट वुड हैव बीन अ नहीं, मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा? आई एम ऑलरेडी, मुझे 3-4 राष्ट्र पुरस्कार मिल चुके हैं। आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? वो शेखर सुमन ने कहा कि मेरे बेटे की, अच्छा नाम हो गया, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की न सिर्फ पिटाई कर दी बल्कि उसको गंजा कर दिया कंगना ने। सर मैंने जैसा कहा कि वो 95 केजीज है और मैं 49 केजीज, अगर मैंने उसकी पिटाई कर दी तो पता नहीं क्या हो सकता है दुनिया में। लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था उस टाइम पे, ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था उसको। सुनो, आपने कंगना के बारे में बताया, कैसी है एक्चुअली कंगना, आप काफी समय से जानते हैं। नहीं बताना सोनू, इसको नहीं बताना, because I want to be a mystery for you, Sumit. I want you to be intrigued. नहीं, don't इनके आधार कार्ड का नंबर है A46, वैसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं कुछ। हाँ जी, डोमिनेटिंग है क्या ये, या मतलब इंटिमिडेटिंग? मेरा हंटर लेके आओ, लेके आओ प्लीज, somebody get it from my car. Sumit, we need to talk. My last question to Kangna is, Kangna, you have always stood for what's right. And recently Rakesh Roshan said that even when someone is spreading lies about him. Are sir, this is no, not the place no, for that. No, but I want to know, why can't Indian men stand up for themselves? He's a 43-year-old son. Why his father has to come for his rescue always? No, for how long, father? They will keep hiding behind their influential big names, father. Anupa
Obama, there was Ranveer or Alia or somebody like that, जो कहते कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमको हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया. सो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. आई थिंक रणबीर कपूर वॉज टेलिंग somebody कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो. सो हाउ ये देश ने आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं. यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना. दिस इज एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल. और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई. आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है. हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम बैक? हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर?